पीयू सिंह होम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी पाव भाजी की। तो देखिए, पाव भाजी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। भाजी बनाने के लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू, एक कटोरी मटर। हम आलू और मटर की ही भाजी बनाएंगे। और तड़के में डालने के लिए हमने अदरक के महीन महीन टुकड़े कर लिए हैं, और ये लाल और हरी मिर्च ली हुई है। और टमाटर को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के इनका छिलका उतार दिया है, क्योंकि जब छिलका इनका भाजी में बढ़ता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और मसाले में हमने लिया है धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, जीरा और भाजी पाव भाजी मसाला। तो चलिए चलते हैं, भाजी बनाने शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाजी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला है। फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते हैं कि भाजी सिर्फ मक्खन में बनती है, लेकिन आज हम तेल और मक्खन का यूज करके भाजी बना के आपको दिखाएंगे, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो देखिए, तेल हमने रख दिया है अपना गर्म करने के लिए। तो तेल देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और यहीं पर हम डाल देंगे मक्खन। तो मक्खन देखिए हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। अब यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने अदरक काट के रखी हुई है, और गैस की फ्लेम हम लोग लो ही रखेंगे। इसको भी हम हल्का हल्का ऐसा ही रोस्ट करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, नहीं तो भाजी में इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अभी हल्का सा हो चुकी है, तो यहीं पर डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च काट के रखी हुई है, इसको भी हल्का हल्का ही सॉटे करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे खड़ा जीरा, थोड़ा सा जीरा हम बचा लेंगे, क्योंकि बाद में हम भाजी में तड़का लगाने में के लिए उसका यूज़ करेंगे। अब यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने मटर ली है, क्योंकि इसको भी हम हल्का हल्का सा भूनेंगे। तभी हमारी भाजी में अच्छे से गलेगी। तो देखिए हमारी मटर अच्छे से हो चुकी है। अब यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने टमाटर काट कर रखा हुआ है। आलू हम बाद में ही डालेंगे, क्योंकि आलू हमारा उबला हुआ है। और आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं आपको जितनी पसंद हो। तो इसको भी हम हल्का हल्का भून लेंगे। और तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा भाजी, बहुत अच्छी लगती है। टमाटरों को गलाने के लिए हम यहीं पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो हमने करीब आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसको भी अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि टमाटर में मॉइस्चर होता है, और नमक डालने से वो और अच्छे से गल जाते हैं। अब इसको भी हल्का हल्का एक या दो मिनट सेकेंड तक, और छिलका निकाल के उसमें टमाटर डालने से हमें आराम रहता है, तो बाद में हमें छिलकों को निकालना नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारे टमाटर अच्छे से इसमें गल चुके हैं, इनको हमने ऐसे धीरे धीरे फोड़ लिए हैं। अब यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने मसाले लिए हैं। तो देखिए हमने सभी मसालों को डाल दिया है, और इसको भी हल्का हल्का सा ही लो फ्लेम पे ही भून लेंगे, क्योंकि ऊपर से डालने से मसालों में कच्चापन आ जाता है। अब इनको हल्का सा भून के एक सेकेंड तक। अब यहीं पर हम डाल देंगे इसमें जो हमारे उबले हुए आलू हैं। अब इसको भी डाल के हम अच्छे से चला देंगे। चलिए आपको चला के अच्छे से मिला के दिखाते हैं। अब इसको चला के हम आलू को उसके बाद 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे इसमें मॉइस्चर आएगा और ये थोड़ा अच्छे से और गल जाएंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं हमारे आलू कितने पके हैं। देखिए हमारे आलू लगभग 50% पक चुके हैं। अब इनको हम यहीं पर कल्चर की सहायता से फोड़ लेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, कल्चर की सहायता से आप लोग बिना पाव भाजी मैशर के, भाजी मैशर के बिना भी अपनी भाजी को अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो देखिए हमने हल्का हल्का सा मैश कर दिया है, और यहीं पर डाल देंगे आधा गिलास के करीब पानी, और चला के इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि हमने उबले हुए आलू लिए हैं।
कच्चा आलू का लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जब तक हमारी भाजी बन रही तब तक हम पाव को सेक लेते हैं। पाव को सेकने के लिए हमने लोहे का तवा रख दिया है और फ्लेम हमारी मीडियम है, तो जब तवा गर्म हो जाएगा तो यहीं पर हम डाल देंगे मक्खन और मक्खन को अच्छे से पिघला लें और तवे पे चारों तरफ चम्मच से फैला लेंगे। और यहाँ पर एक फैट पैन, मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका बता रही हूँ पाव को सेकने के लिए। तो यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा खड़ा हुआ जीरा और इसको चटकने के बाद यहीं पर पाव को रख देंगे सेकने के लिए। तो चलिए आपको सेक के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पाव अच्छे से सिक चुके हैं और जीरा देखिए इसमें अच्छे से चिपक गया है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जगह आप धनिया भी डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी भाजी पकी है कि नहीं। पाव तो हमने सेक लिया, भाजी भी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी कितनी अच्छे से पक चुकी है। ये लगभग 1% पक चुकी है और 2% इसको अब हम इसमें अच्छे से फोड़ लेंगे। तो ये बिल्कुल इसमें बैठ अच्छे से मिल जाएंगे आलू इसमें। तो चलिए इसको फोड़ के हमें यहीं पर इसको मिला लेते हैं अच्छे से, तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना पाव भाजी भाजी मैसर के भी हमने जो है अच्छे से इसको कलछुल की सहायता से मिला लिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं भाजी। और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हमने इसमें फूड कलर भी डाल दिया है। तो अब चलिए चलते हैं अपनी भाजी को तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए हमने तड़का पहन लिया और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच शिखर एक मक्खन और गैस के लिए लोही रखी हुई है। तो चलिए तड़का हम डाल देते हैं। तड़के में हम डालेंगे जीरा और कसूरी मेथी। तड़के को हम बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्का सा ही करें वो करेंगे रोस्ट और उस पर डाल देते हैं तड़का हम। तो कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको चला देते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे जो हमने नींबू काट के रखे थे उसका रस हमने निकाल लिया है, तो उसको हम डालेंगे। और आधे नींबू का ही रस हम डालेंगे जूस, क्योंकि जो है हमने इसमें टमाटर भी डाल रखा है। तो चलिए नींबू का जूस डाल देते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है ना, बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में स्ट्रीट में ठेलों पर सब खाते हैं वैसे ही है ना बिल्कुल। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आपको पाव और भाजी दिखाते हैं कैसी बनी हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। आप लोग भी इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।